मैं ममता शर्मा, लेक्चरर CDDM, गवर्नमेंट वुमेंस पॉलिटेक्निक अजमेर से। आज की अपनी वीडियो में मैं आपको कलीदा कुर्ते का फ्रंट और बैक पार्ट बताऊंगी। अगली वीडियो में मैं आपको इसकी स्लीव, इनसीम पॉकेट और गसेट के बारे में बताऊंगी। कलीदा कुर्ता ये महिलाओं व पुरुषों दोनों के द्वारा पहना जाता है। यहाँ पर मैंने पुरुषों के लिए कलीदा कुर्ते का पेपर पैटर्न बना का ड्राफ्ट बनाया है। कलीदा कुर्ता जो है, इसके मुख्य जो भाग हैं, इसका फ्रंट और बैक पार्ट है जो ऊपर से अनफोल्ड होता है, और इसमें चार कलियां होती है तथा दो स्लीव होती है। इसमें आर्म होल का शेप नहीं होता। इसकी जो स्लीव होती है स्क्वायर शेप में ही कटी हुई होती है, जिसके एज पर सेल्वेज होना ज़रूरी है। कलीदार कुर्ते में जहाँ पर कली और इसका पैनल, ये दोनों जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है, यहाँ पर इसे एम्ब्रॉयडरी के द्वारा भी तैयार किया जा सकता है, और ये मुख्य रूप से लखनऊ के अंदर पहना जाता है। इस कलीदार कुर्ते का ड्राफ्ट बनाते समय हमें जिन नापों की आवश्यकता है, वे नाप या मेजरमेंट्स हैं कुर्ते की लंबाई, चेस्ट मेजरमेंट, शोल्डर, नेक और स्लीव लेंथ। सबसे पहले हम 0 से 1 कुर्ते की लंबाई लेते हैं, 0 से 2 ये हमारा हाफ ऑफ शोल्डर मेजरमेंट है। जैसे हम आर्म होल बनाते हैं वैसे के वैसे हमें यहाँ पे 0 से 2 हाफ ऑफ शोल्डर मेजरमेंट लेना है। इसके बाद 1 से 3 का जो मेजरमेंट है ये 0 से 2 के बराबर है। अब हम इस ब्लॉक को पूरा का पूरा जॉइन कर लेते हैं। 1 से 1 डैश तथा 3 से 3 डैश हमारा हाफ इंच बॉटम फोल्डिंग के लिए है। इसके बाद 2 से लेके 4 तक ये हमारा 1/4 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है, जहाँ पे हमारी स्लीव लगेगी आर्म होल डेप्थ के लिए। इसके बाद 0 से 5 1/5 ऑफ नेक मेजरमेंट है, जो हमारी नेक की विड्थ है, यानी कितनी हमें चौड़ाई लेनी है वो 1/5 ऑफ नेक मेजरमेंट है। वैसे हम इसे 3 इंचेस मैक्सिमम रखते हैं, इसे ज़्यादा नहीं रखते हैं, वरना इसे हम 2.8 और 3 इंचेस के बीच में ही लेते हैं। 0 से 6 जो है ये हमारा 3/4 इंच है, जो हमारा बैक का डेप्थ है नेक की, और 0 से 7 जितनी हमने नेक की गहरा चौड़ाई ली है उतनी कितनी हम नेक की गहराई लेते हैं। इसके बाद हम 5 से 6 को बैक नेक के शेप के लिए तथा 5 से 7 को फ्रंट नेक के शेप के लिए कर्व लाइन द्वारा मिलाते हैं। इसका शेप हमें ऐसे राउंड ही बनाना है, यहाँ पर हमें कॉलर जैसा गला नहीं बनाना है, वी शेप में नहीं बनाना, इसे हमें गोल ही बनाना है। इसके बाद 7 से लेकर के 8 तक यहाँ पे हमें कुर्ता प्लेकेट बनानी होती है, जिसके लिए हम 1/4 ऑफ चेस्ट प्लस 1 इंच इसका मेजरमेंट लेते हैं। इस प्रकार ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट तैयार है। ये ऊपर से ऑनफोल्ड होना ज़रूरी है। इसका हमें सिर्फ 1 पीस काटना पड़ेगा, यानी हम कपड़े को पहले लंबाई में और उसके बाद चौड़ाई में फोल्ड करते हैं, जब हमारा ये कुर्ते का फ्रंट और बैक पार्ट तैयार होता है। इसके बाद मैं आपको कली के बारे में बताऊँगी। 4 से लेकर के 9 का जो मेजरमेंट है ये हमारा 1/12 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है। 3 से लेकर के 10 का जो मेजरमेंट है ये हमारा 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है। यहाँ पे हमें सेम अलाउंस इंक्लूडेड है इसके अंदर, कली की चौड़ाई के अंदर। और यहाँ जो हमने 0 से लेकर 2 का मेजरमेंट लिया था, इस पर भी हमें हाफ ऑफ शोल्डर के साथ सेम अलाउंस इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 3 के अंदर भी हमारा हाफ ऑफ शोल्डर प्लस हाफ इंच सीम अलाउंस है, यहाँ पे भी हमारा 0 से लेके 2 के अंदर हाफ इंच सीम अलाउंस हमें लेना है। इसके बाद 4 से लेके जो 9 का मेजरमेंट मैंने आपको बताया था कि हम 1/12 ऑफ चेस्ट लेते हैं, और 3 से लेकर के 10 के अंदर भी हम 1/12 ऑफ 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट लेते हैं। इसके बाद हम 4 से 9 को स्ट्रेट लाइन से तथा 9 से 10 को भी स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं। जितना हमारा 4 से 3 का मेजरमेंट है उतना ही हम इस लाइन पे, क्योंकि ये लाइन थोड़ी सी डायगनल है, तो यहाँ पे हमें 9 से लेकर के 11 का जो मेजरमेंट है ये भी हमें इसके बराबर लेना पड़ेगा। तो जितना हमारे इसमें शेप में अंतर आ रहा है उसे हम मार्क कर लेते हैं और उसे हम एक कर्व लाइन के द्वारा मिला लेते हैं। इसके बाद जिस प्रकार हमने यहाँ से 3 से लेकर 3 डैश हाफ इंच लिया है बॉटम फोल्डिंग के लिए, उसी प्रकार हम 11 से 11 डैश भी बॉटम फोल्डिंग के लिए हाफ इंच मार्क करते हैं। अब हमें यहाँ पर पॉकेट की मार्किंग, साइड स्लिट की मार्किंग करनी है। तो जितनी हमारी कुर्ते की कुल लंबाई है उसका 1/3 पोर्शन हम यहाँ से 10 से लेके मार्क करेंगे इस साइड लाइन पे, तो ये हमारी स्लिट ओपनिंग हो जाएगी, जो कुर्ते के चार खुले होते हैं वो है। उसके बाद 12 से लेके 30 यहाँ का जो मेजरमेंट है ये हम 1/12 ऑफ चेस्ट लेते हैं, जहाँ पर हमारा पॉकेट का प्लेसमेंट होता है,
और इसके बाद 13 से 14 तक ये मेजरमेंट जो है ये हमारा 1/6 ऑफ चेस्ट मेजरमेंट है, जो हमारे पॉकेट माउथ की ओपनिंग है। और पॉकेट माउथ की ओपनिंग जो स्टैंडर्ड है, हम 6 इंच के बराबर ही रखते हैं। इस प्रकार हमने इसका फ्रंट एंड बैक पार्ट और कली को यहाँ पे बना लिया है। अब हम आगे का भाग है स्लीव, वो अपने अगले वीडियो में बनाएंगे।